बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रोड ट्रैफिक सेफ्टी। सर इससे पहले मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ देना चाह रहा हूं, वो ये है कि सेफ्टी कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंटल लॉस टू पीपल प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट इज कॉल्ड सेफ्टी, प्रोटेक्ट फ्रॉम हैजर्ड इज कॉल्ड सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे एक अजीब ही चीज देखी है मैंने, वो ये है कि सर एक बम ब्लास्ट होता है 6 महीने के बाद, नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन अनलकीली होता है, तो उसमें कितने लोगों की डेथ होती है सर? तकरीबन 80 से 100, इतने ही ना सर? सर एक 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक ट्रेन इंसिडेंट होता है, एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसमें कितने लोगों की डेथ होती है? यही 80 100, तकरीबन 100 तक सर। इसके बरक्स सर अगर आप प्लेन क्रेश पे चले जाए, अगर एक जहाज का जो है एक्सीडेंट होता है तो उसमें 6 महीने बाद, साल बाद एक एक्सीडेंट होता है, उसमें कितने लोगों की डेथ होती है? यही तकरीबन 100 के करीब। लेकिन जब हमारा एक जहाज का एक्सीडेंट होता है, पूरी कौम सोग मना रही होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमारी जो है मुअज्जिन, शहरी जितने लोग हैं सारे सोग मना रहे होते हैं। हम भूल चुके होते हैं कि जी हमें जो है उस दिन सिर्फ एक लगा होता है कि यार आज बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, हमारे साथ एक जहाज का हादसा हो चुका है, आज बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, आज जनाब एक जो है ट्रेन का हादसा हो चुका है, आज बहुत बड़ा सानिया हुआ है, आज एक बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अगर सर इसके बरक्स आप रोड ट्रैफिक इंसिडेंट्स पे चले जाएं, रोड एक्सीडेंट्स पे चले जाएं, तो आपको पता चलेगा ये जो 6 महीने वाले हादसे पे हम सानिये पे हम जो है वो करते थे, डेली सोग मना रहे होते थे, सर ये तो डेली बेसिस पे 80 लोग मर रहे हैं। आपको पता है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये शाया हुआ है उस रिपोर्ट में कि 85 लोग पाकिस्तान में डेली मर रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। सर ये बहुत बड़ा सानिया है, ये या तो खुदकशी है या मर्डर है, ठीक है? अगर ये सानिया है ना, ये सानिया उस बंदे के लिए है, कमर जमा कायरा के लिए है, जिसका 18 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट की जद में आ गया। ये सानिया है तो उस बहन के लिए है जिसका ना माँ ना भाई ना बाप, कोई भी एक छोटा भाई था और वो 18 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट की जद में आ गया, उस बहन के लिए सानिया है। ये सानिया है तो उस बीवी के लिए, मेरा दोस्त है फैसलाबाद का बिलाल, अभी जो है पिछले वीक उसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 महीना पहले शादी हुई है, 18 साल का बच्चा है, रोड एक्सीडेंट की जद में आ गया, अचानक उसकी डेथ हो गई। मैंने कॉल की, उसे कॉल की तो पता चला, मैंने बिलाल से बात करनी थी, आगे किसी और ने अटेंड कर ली, कहते बिलाल की डेथ हो गई। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं करो भाई मेरे साथ, बिलाल से बात करवाओ। मैं समझा फैसलाबादी जुगती बहुत है, शायद जुगत कर रहे हैं। बाद में पता चला, कहते यार 2 घंटे पहले उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, मोबाइल भी मेरे पास है, मैं कोई और हूँ, उसके घर वालों को कहें आके मुझसे मोबाइल ले जाएं। तो ये एक सानिया है सर, हमें इस पर कंट्रोल करना होगा, इससे पहले कि वो सानिया मेरे साथ पेश आ जाए, इससे पहले कि वो सानिया आपके साथ पेश आ जाए, इससे पहले कि वो सानिया हमारी किसी फैमिली मेंबर के साथ पेश आ जाए, कोई हमारे फैमिली मेंबर रोड एक्सीडेंट की जद में आ जाए और हमारे लिए वो यादगार बन जाए, बहुत बुरी यादगार बन जाए। मैं इस पर काम करना चाह रहा हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे मैं इस पर बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेके आना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चेंजेस लेके आना चाह रहा हूँ, और मैं इतना काम करूंगा, मेरी जो है मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इतना काम करूंगा कि एक दिन रोड एक्सीडेंट्स हमारे बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। सर मैं एक चीज यहां पे डिफाइन करना चाहूंगा, सेकंड्स, जब कोई एक्सीडेंट होता है ना उसका ड्यूरेशन 15 सेकंड्स होता है। कैसे? अनकंट्रोल्ड और अनडिजायर्ड इवेंट, आप नहीं चाह रहे होते कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं होता, आप देखते देखते अचानक आपको नजर आता है किसी चीज में ठुकने वाला हूं और ठुक जाते हैं, और ठुकते ठुकते कहीं गिर गया, कहीं बाइक गिर गया, कहीं कार पे, कहीं रोड पे, कहीं बस पे, कोई एक्सीडेंट है, उसका ड्यूरेशन है 15 सेकंड, और हर 15 सेकंड में दुनिया में 153 लोगों की डेथ हो रही है, 153
सर कैसे? दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज हैं, तकरीबन 208-210 कंट्रीज हैं सर। अगर एक कंट्री में एक भी डेथ हो रही है तो 153 हो रही है, लेकिन इसकी रेशियो सबसे ज्यादा लो इनकम और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज में, जिस तरह पाकिस्तान है, बंगाल है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, यहाँ पे इसकी रेशियो बहुत ज्यादा है सर बाकी कंट्रीज की निस्बत। और हर साल 135 मिलियन लोग रोड एक्सीडेंट की जद में शिकार हो रहे हैं सर, 135 मिलियन लोग एवरी ईयर। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? ओवर स्पीड। बहुत सारी वजूहात हैं, मोटरसाइकिल हम यूज करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन ट्रैफिक रूल्स भी इनमें कहीं ना कहीं शुमार होते हैं। हमारे ट्रैफिक रूल्स किताबों की हद तक महफूज हैं, बहुत अच्छे रूल्स बने हुए हैं पाकिस्तान के, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक रूल्स नहीं है, बहुत अच्छे रूल्स हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है सर। हम आप दुबई में चले जाएँ, आप अबू धाबी में चले जाएँ, आप कतर में चले जाएँ, आप मस्कत ओमान में चले जाएँ, आप सऊदी अरेबिया में चले जाएँ, आपको रोड मैप बहुत अच्छा मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज, आपको ड्राइविंग लाइसेंस इतने मेरिट पे होते हैं, उसकी फीस इतनी हाई होती है, आपके साथ साथ 8-8 लाख लग जाते हैं सर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पे। वो आपको 15 दिन का सेशन देते हैं, आपको रोड पे ले जाएंगे, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको 30 दिन का सेशन देते हैं, आपको रोड पे ले जाते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको 45 दिन का सेशन देते हैं, आपको रोड पे ले जाते हैं। आए फहीम साहब, अब चलाएं आप गाड़ी, आप रोड पे चलाते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप ड्राइवर की सीट पे बैठने का सोच ही नहीं सकते, जो हमारे यहाँ पे कमी है जिस चीज की। अगली सर आगे आ जाए, आप इस चीज को देखें कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, गाड़ी मिल गई, आप चला रहे हैं रोड पे, तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा है कि आपको रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड मिलता है स्पीड लिमिट का। कहीं देखा है सर बोर्ड स्पीड लिमिट का? आपको स्पीड लिमिट का बोर्ड मिलता है, लेकिन हमने कभी इस पे गौर किया है ये क्यों है? हमने इस पे इम्प्लीमेंट भी करना है? नहीं, हम तो अपनी मर्जी से चला रहे होते हैं। जो सी पैक अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत कुशादा रोड है, और बल्कि वन वे है, सामने से आप जा रहे होते हैं सर, आपको सामने से कोई सवारी नहीं मिलती, लेकिन आपको सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ आवाम अपनी मर्जी से भगा रही है, जितना भाग सकती है गाड़ी भगाओ। पता चलता है वो अनकंट्रोल्ड ऐसी होती है, कहीं ना कहीं सी पैक से नीचे होती है, ठीक है, या किसी आगे जो गाड़ी जा रही है उसमें जनाब जाके लग जाना है। तो ये एक और चीज सर, दुबई में आप, मैं वहां पे घूम रहा होता था, तो वहां पे हमने ये देखा है कि आप जा रहे होते हैं तो आपको एक स्क्रीन आगे मिलती है जो आपको आपकी गाड़ी की स्पीड बता रही होती है। अगर आपकी गाड़ी 100 पे जा रही है ना, तो उसने 100 आपको बता देना है, एक बोर्ड मिलेगा वहां पे 100 लिखा होगा, आपको पता लग जाएगा कि यार मैं आउट ऑफ लिमिट हूं, मैं 80 पे जाना चाह रहा था, लेकिन ये तो मैं 100 पे जा रहा हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं देख रहे हैं, तो आगे से आपको स्क्रीन दिखाई जा रही, उस पर आप क्या करते हैं, 80 पे आते हैं। नहीं आए, अगर आप आगे, आपको कैमरा मिलता है, उस कैमरे में क्या है, अगर आप पे 80 पे जाना था और आप 81 पे गुजरे हैं ना, 81 पे गुजरे हैं, तो फौरन आप स्केच लिया जाता है, आपको मैसेज आ जाता है सर 200 दिरहम आपका जुर्माना फाइन हो चुका है, वो आपने पे करना ही करना है। 200 दिरहम पाकिस्तान का कम से कम 10-15 हज़ार है, ठीक है, तो आपने पे करना करना है। अगर वहां पे इवन के पेडेस्ट्रियंस की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, आप पैदल जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, हमने नहीं गौर किया, तो पता चलता है वो बेचारा हमें बचाते बचाते कहीं और जाकर लगता है, तो वो पेडेस्ट्रियन, अगर ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो मैंने यहां से क्रॉस करना है, विदाउट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हम दुबई में थे, मेरे एक दोस्त ने विदाउट, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, हमने कभी यहाँ कानून को फॉलो नहीं किया, तो विदाउट ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की, और वहाँ पे CID बहुत ज़्यादा है, आपको सिविल में मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलता यहाँ 10 लोगों में 10 में से 6 जो है वो होते हैं CID के, आपको पता नहीं चलता ये फहीम साहब आगे पैंट शर्ट में खड़ी है, ये CID के जनाब, रोड जैसे क्रॉस की यहाँ पे आगे से पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने अपना कार्ड निकाला, कार्ड दिखाया, पुलिस अपना ID दिखाओ भाई, फाइन कर दिया 200 दिरहम फाइन। हम रिक्वेस्ट करते रह गए सर मेहरबानी करें, नहीं है पैसे भाई, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके अकाउंट में लग गए, ये फाइन लग गया है, जब आप जब दिल करे पे कर जाना, नहीं करेंगे तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे ना,
जैसे आपका जो है पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे वहाँ आ जाएगा 200 फाइन भर के फिर पाकिस्तान जाओ। ठीक है, हमारे यहाँ ये ऐसा बिल्कुल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है, हमारे सिग्नल्स भी हैं, लेकिन हमारे जो कवानीन हैं वो किताबों तक महफूज हैं, किताबों में बंद हैं। पहले बात तो यह है कि हम उसे पढ़ने की जहमत ही नहीं करते, अगर हमने पढ़ भी लिए तो उसमें इम्प्लीमेंट करवाना करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो सर इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम इसको जो है बार बार हाईलाइट करें, हमारे तमाम ट्रेनर हैं जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको भी चाहिए, अगर कोई और नहीं करेगा मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगा, इस पर वीडियोस बनाऊँगा, इस पर जो है ट्रेनिंग दूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए ताकि जो हो चुके हैं आगे कोई इसकी इज्जत में ना आए। थैंक यू सो मच।